हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और इस बार का व्लॉग है हॉलीडे स्पेशल। इस बार क्रिसमस वेकेशन, क्रिसमस नहीं, न्यू ईयर वेकेशन में हम जा रहे हैं श्रीनगर और जम्मू। क्रिसमस वेकेशन भी बोल सकती हो, चार दिन से हम पैकिंग ही कर रहे हैं। शट अप। देखो पैकिंग करके क्या हालत हो गई मेरी। तो कहीं भी हम जाते हैं तो पैकिंग यही करते हैं, क्योंकि मैं आधा सामान भूल जाती हूँ इसीलिए। तो मनीष कल से पैकिंग कर रहे हैं और हमारा सामान जो है वो पैक हो गया है। हम निकलने वाले हैं आज रात की फ्लाइट से ही। तो ये हॉलीडे व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये देखो आधा बैग में मेरे कपड़े हैं, ये आधा बैग, और उधर चार और बैग, उसमें तुम तीनों के कपड़े। ये क्लिप मैं काट दूंगी। काट देना, लेकिन झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ खोल के दिखाऊं? खोल के दिखाऊं झूठ बोल रहा मतलब? ऐसे मास्क वगैरह उतारो यार, अब रूम में आ गए। बाहर जितनी ठंडी, अंदर दिस इज सो कूल। अरे लॉक लॉक हो जाएगा तो। अरे स्नोफॉल होगा तो सामने सामने से देख सकते भाई ना, स्नोफॉल ही तो देखना है ना। अगर स्नो हुआ तो यहीं पे खेल लेंगे। मेरे फोन पे नहीं ना। तो हम पहुंच गए हैं अपने होटल के रूम में, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया तो रूम बहुत बहुत ही अच्छा है। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी, और उसके बाद यहाँ पे रूम में हीटर लगा हुआ है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। अभी यहाँ पे हमें मिलने वाला है यहाँ की जो फेमस चाय है, कहवा चाय, जो काफी कहवा ही बोलते, कहवा चाय नहीं बोलते। मैंने पिया नहीं है तो मेरे को क्या पता। आप ना टेंशन लो मम्मा के ऊपर। हेलो तो हम रुके हैं यहाँ पे द ललित में, जो कि काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। एक्सपेंसिव तो है, लेकिन यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा कभी आए नहीं है तो यही जगह चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ठंडी टेम्परेचर 2 डिग्री है, और इस होटल का व्यू जो है बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर मैं ऐसे पीछे दिखाऊँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं इन्हें काट दूंगी। तो तुम्हारा नया नया जॉब आजकल टूर गाइड बनी हो क्या? हाँ, तभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी कितने बजे टाइम बताओ, असिस्टेंट बन जाओ। तुम ही हो ना टूर गाइड। तो अभी हम पहुंचे हैं इतने बजे, और अभी हम यहाँ पे हैं। कोई आजू बाजू नहीं है, फिर भी मास्क नहीं हटा सकते क्योंकि ठंडी से बचा रहा है। हाँ सच्ची है, यहाँ पे तो मुझे ठंडी हो, मुझे उतनी ठंडी नहीं लग रही। अरे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सब सफाई का ठेका दिया है क्या तुम्हें? पत्ते क्यों इकट्ठा कर रही हो? पीछे देखो। अरे गीला है। अरे तो गीला है तो मेरे को क्या है? मैं तो झूलना जरूरी है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है। हाँ ठंडी देखो, झूलूंगी तो गर्म हो जाऊंगी और फिर ठंडी कम लगेगी। मैं तो बाबा ब्लैक शिप लग रही हूँ।
व्हाइट शीप लग रही हूँ देखो। पहना दे नारायण पहना दे। रिकॉर्ड करो तो फिर नहीं करेंगे। नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ भैया, आपको लव कर रहा है ना, वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा कौन कौन फर्स्ट? रैन तो नहा के हो चुका है रेडी। क्या बात है रैन, आप तो एकदम गुड बॉय लग रहे हो। चाय पियोगे? नहीं। पी लो ना। आपकी चाय वैसे भी ठंडी होने वाली है। ओए रायन भैया, चलो चलो। तो आज हमारा यहाँ पे पहला दिन है और हम जा रहे हैं अभी डल लेक। वेदर रिपोर्टर स्टार्ट हो गई है। पहला दिन कितने बजे कहाँ जा रहे हैं? और हम जा रहे हैं डल लेक। जैन जैन के टूरिज्म तुम्हें जॉब देने वाले। हाँ वही ज्यादा अच्छा काम है मेरे को। तो अभी हम बच्चों को लेके जा रहे है शिकारा पे। डल लेक में शिकारा जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में बहुत ही फ्लावर से इन्हें डेकोरेट किया जाता है ताकि ये इनकी ब्यूटी को और भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे जब आप बोट बुक करें ना, मतलब ये शिकारा, तो इसमें आपको बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी, तो आप अपने हिसाब से ये एडजस्ट करें। तो यहाँ पे ये पूरा व्यू है। यहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, जो भी आपके साथ है वो पूरा डिटेल्स बताते हैं कि कहाँ क्या है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आपको एंटरटेनमेंट भी अच्छा होगा, प्लस बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलेगी। और इसके साथ सबसे खास बात ये है इसलिए कि यहाँ पे जितने शॉपिंग्स होते हैं ना वो पूरे पानी पे ही है। मतलब बोट ऐसे पास में आएंगे, अगर आपको फोटोग्राफी करानी है तो आपको पास के बोट में ऐसे जाना पड़ेगा, फोटोग्राफी करवा के वापस अपने बोट पे आ सकते हैं, जैसा कि मैंने किया अभी। How is the experience? सर देखो कैसा लग रही है मैडम। अपनी बीबी 13 साल बाद कैसी लगती है भाईजान? तो यहाँ पे मैंने 5 फोटो खिंचवाई थी जिसका मैंने 700 पे किया, और उस फोटो की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलती है, ये कॉपी मिलती है। तो यहाँ पे जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं ये सारे हाउस बोट्स हैं, जो कि बहुत ही बाहर से खूबसूरत दिखते हैं। तो हमने सोचा था कि यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन बच्चों के मतलब ठंडी होने की वजह से हमने यहाँ का प्लान कैंसिल किया, और अब हम जा रहे हैं आगे। तो जैसे ही हाउस बोट्स के एरिया के आगे आप क्रॉस करेंगे, वैसे ही आपको बहुत सारे शॉपिंग की चीज़ें दिखेंगी। मतलब ये हाउस बोट वाला जो एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कैफ़े है, मतलब आप कुछ भी सामान ऑर्डर करेंगे तो आपको बोट पे ला के मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बच्चों के लिए कुछ नाश्ता और ये कहवा मंगाया जो यहाँ का काफ़ी पॉपुलर है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। फिर हम शॉपिंग के लिए आए हैं। 1200 ये 1400 के रेंज में ये सर। ये देखो ये इस टाइप का, ये इसको कहते हैं कानी, ये पूरा 3 पीस में आएगा विद दुपट्टा। ये देखिए ये 2400 का पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत है, दुपट्टे के साथ है 3 पीस। शॉपिंग के बाद हम शाम को 5:30 के करीब निकले, और रात को यहाँ पे जब लाइटिंग होती है ना, मतलब जैसे ही लाइट जलते हैं तो ये इतना खूबसूरत दिखता है, क्योंकि ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो पानी में जाके और भी ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अमेजिंग दिखती है। ये देखिए ये सारे हाउस बोट्स। यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो खिंचाई थी वो भी मुझे मिल गया, बहुत में ही सारा काम हो गया, मतलब फ़ोटो, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, सारे फ़ोटो सिमिलर ही दिख रहा है। ये तो एकदम कश्मीरी गली। एक ही फ़ोटो का उसने बहुत सारा कॉपी बना दिया लग रहा। ये मेरी फेवरेट।
तो एक हम कितने देर पहले निकले थे यहाँ से? 3 बजे के आसपास निकले थे, 6 बज गए। हाँ, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में हमने शॉपिंग की, फोटोशूट करवाया, नाश्ता चाय सब करके, और अभी भी बोट पे ही है। और इस टाइम पे अभी 6 बजने वाले हैं और यहाँ पे ये जो डल लेक है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तब हम जाते हैं होटल। शॉपिंग करके मजा आया आपको? मुझे हाँ? क्या बोल रहा था दुकानदार? तो हम आ गए अपने होटल और यहाँ पे मैंने ये ऑथेंटिक वाला कहवा ऑर्डर किया, क्योंकि जो हमने डल लेक में ट्राई किया था वो ओके था, तो हमने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं कि शायद मतलब एग्जैक्ट टेस्ट इसका कैसा होता है। यहाँ पे बच्चे अपने रूम में रैन टीवी देख रहे हैं एंड अपने मस्ती में। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।